वेलकम अगेन इन 10 मिनट बायोलॉजी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ इज अविनाश शर्मा। आज का टॉपिक है बेटा एनवायरमेंटल इशूज़। तो एनवायरमेंटल इशूज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले पोल्यूशन क्या होता है। पोल्यूशन इज अनडिजायरेबल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, वाटर, लैंड। और इसमें क्या होता है, ये बहुत ही डैमेजिंग इफेक्ट दिखाता है एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बींग और इवन हमारे आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर पर भी बुरा प्रभाव डालेगा। पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, उन एजेंट्स को पोल्यूटेंट्स कहते हैं। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को या एग्रीकल्चर को झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसमें फार्मर्स क्या करते हैं, जंगलों को काट देते हैं, ठीक है, फिर उसको आग लगा देते हैं, जो बचा हुआ भाग है। जो राख मिलती है वो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ हो जाती है बेटा। और जो लैंड होती है उसकी ये लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी और कैटल ग्रेजिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। रीफॉरेस्टेशन क्या होता है, जहाँ पर पहले आपने डीफॉरेस्टेशन कर दिया है वहाँ पर दोबारा फॉरेस्ट उगाने को रीफॉरेस्टेशन कहते हैं। देखो लिखा है उसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर ये होता है रीफॉरेस्टेशन। इसीलिए हमें रीफॉरेस्टेशन को बढ़ाना चाहिए और डीफॉरेस्टेशन को घटाना चाहिए। फ्लूएंट क्या होता है, जो गंदा पानी निकलता है और इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी वाटर बॉडीज में मिला देते हैं, इसी को बोलते हैं फ्लूएंट। देखो इसको हम लोग बोलते हैं सीवेज और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट हो सकता है। CPCB का पूरा नाम होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है। फोम का पूरा नाम होता है फ्रेंड ऑफ आर्काटा मार्स, ठीक है। GFM का पूरा नाम है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया जिसमें लोकल कम्युनिटी को जोड़ा गया ताकि हमारे जंगल को सुरक्षित कर सके और हमारे जंगल को मैनेज कर सके। और ये प्रोग्राम 1980 में चलाया गया था। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दो उपाय हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, एक स्क्रबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या होता है, ये बहुत ही एफिशिएंट डिवाइस है। 99% से भी ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर को ये अलग कर देती है हवा से, जो कि इंडस्ट्रीज या थर्मल पावर प्लांट्स के धुएं में होता है, ठीक है। इन दिस डिवाइस, इसमें इलेक्ट्रोड लगाया जाता है जो हज़ारों वोल्ट की करंट पैदा करता है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिया गया, ये हज़ारों वोल्ट की करंट पैदा कर रहा है, जिससे क्या होगा, कोरोना निकलेगा। और कोरोना जो होता है इलेक्ट्रॉन के बंच को बोलते हैं। अब ये जो डस्ट पार्टिकल हैं ये इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आएंगे और अब इन पर न्यूट्रल चार्ज ना होकर के कैसा चार्ज हो जाता है, नेट निगेटिव चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये देखिए ये डस्ट निगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट पर आके ये धूल चिपक जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं कलेक्शन प्लेट और इनको ग्राउंड कर दिया जाता है पॉजिटिव बनाने के लिए। यहाँ से क्लीन एयर बाहर निकल जाएगी, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो डस्ट पार्टिकल था वो जब पास कराया जाता है इस डिवाइस से, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है जब रिलीज होता है तो डस्ट पार्टिकल को नेट निगेटिव चार्ज दे देता है और कलेक्शन प्लेट्स क्या होती हैं, ग्राउंडेड होती हैं, जो इनको अट्रैक्ट कर लेती हैं, ठीक है। इस प्रकार 99% से भी ज़्यादा हम लोग पार्टिकुलेट मैटर को अलग कर पाएंगे। स्क्रबर क्या होता है, अगर हम लोगों को अपने एयर से SO2 को अलग करना है तो स्क्रबर का सहारा लेना पड़ेगा। एस मतलब स्क्रबर, एस मतलब SO2, तो याद रखिएगा। इसमें हम लोग क्या कराते हैं, इसमें वाटर या लाइम का ऊपर से स्प्रे कराते हैं जिससे SO2 जो है वो प्रेसिपिटेटेड हो जाता है रिएक्शन करके। ये देखिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग लाइम या वाटर को स्प्रे करा रहे हैं इस पाइप से। यहाँ से ये लाइम या वाटर गिर रहा है झरने की तरह और यहाँ से हम लोग डर्टी एयर डालते हैं जो कि SO2 रिच होता है। ये इसके साथ संपर्क में आने पर रिएक्शन करेगा और प्रेसिपिटेट हो जाएगा पार्टिकुलेट मैटर, यहाँ पे आके प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्लीन एयर यहाँ से निकल जाएगी। BOD क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए एक लीटर पानी में जो भी उपस्थित गंदगी होती है, गंदगी यानी ऑर्गेनिक मैटर जितनी भी होती है, बैक्टीरिया उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना ऑक्सीजन की डिमांड करता है उसी को बोलते हैं BOD। और लिखा हुआ है BOD टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सैंपल ऑफ वाटर। किसी भी वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितनी ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है, बस उसी को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD जितनी ज़्यादा होगी गंदगी उतनी ही ज़्यादा मानी जाएगी। देखो लिखा है BOD इज द मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। किसी भी पानी में गंदगी को मेजर करना है तो BOD जानना जरूरी है। जितना ज़्यादा BOD होगा वेस्ट वाटर में उतना ज़्यादा पोल्यूटिंग पोटेंशियल होगा, ठीक है। देखिए जिस जगह पे ये गंदगी मिलाई जाती है वहाँ का पानी बिल्कुल काला हो गया, जब ये नदी आगे बह रही है, ये फ्लो ऑफ रिवर है इस तरफ, तो आप देख रहे हो धीरे धीरे पानी ग्रे हो रहा है, फिर लेस ग्रे हो रहा है, फिर धीरे धीरे ये, यानी यहाँ का BOD सबसे ज़्यादा है, यहाँ का BOD कम है, यहाँ का सबसे कम है, यानी यहाँ पर डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो सबसे कम होगी, यहाँ डिजोल्व ऑक्सीजन थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ डिजोल्व ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि BOD का संबंध क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चेक करिए, देखिए सीवेज के पॉइंट पर क्या है, ये ब्लू लाइन जो है ये BOD शो कर रही है, तो BOD ज़्यादा है तो देखिए डिजोल्व ऑक्सीजन बिल्कुल कम है। यहाँ चेक करिए, यहाँ पे देखिए ये घट रही है तो ये देखिए डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ रही है।
ये देखिए बीओडी बहुत कम हो गई तो डीजल ऑक्सीजन बहुत कम हो गई, यानी फिश कहाँ पे मरेगा? फिश इस पॉइंट पे मरेगा, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे कि सी पॉइंट पे, तो फिश यहाँ मरेगी क्योंकि डीजल ऑक्सीजन बहुत कम है, सांस न ले पाने के कारण मॉर्टैलिटी बढ़ जाएगी। एल्गल ब्लूम क्या होता है? एल प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट इन द वाटर कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, स्पेशली बीजी की होती है और साइनोबैक्टीरिया की होती है, इससे क्या होगा? फिश मरने लगेंगी, डेट्यूरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी हो जाएगी, टॉक्सिक टू एनिमल और ह्यूमन बींग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन, बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? हर एक ट्रॉफिक लेवल पर किसी भी टॉक्सिकेंट्स का इकट्ठा हो जाना, एक्युमुलेट हो जाना, जिससे क्या होगा ऊपर के ट्रॉफिक लेवल जाते जाते वो मैक्सिमम अमाउंट में पहुंच जाएगा और ये टॉक्सिकेंट कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म पे बुरा असर दिखाएगा, इसी को बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। तो देखो क्या लिखा, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस या टॉक्सिकेंट्स एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, बायो मैग्नीफिकेशन ऑफ डीडीटी इन द एक्वेटिक फूड चेन इज गिवन बिलो। ठीक है, देखिए पानी के अंदर 0.003 पार्ट पर बिलियन था, बाकी जगह पे पार्ट पर मिलियन है, फिर यहाँ पे देखिए 0.0025 था, फिर यहाँ पे देखिए 0.024 ppm है, फिर यहाँ देखिए स्मॉल फिश में गया तो 0.5 ppm हो गया, लार्ज फिश में 2 ppm हो गया, फिश ईटिंग बर्ड में 25 ppm हो गया, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे बायो मैग्नीफिकेशन हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव इन्हीं पर पड़ेगा। क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा? सबसे ज़्यादा डीडीटी जो था ये फिश ईटिंग बर्ड में था, यानी सी गल बोलते हैं समुद्री चिड़िया। अब इनमें क्या हुआ, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, जब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया तो इनकी जो एग की कवच थी यानी सेल वो बहुत ही पतली हो गई, जिससे जो अंदर बच्चा था वो प्री मैच्योर ब्रेक करके इसको बाहर आ गया और इससे बर्ड की पॉपुलेशन घटने लगी। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? नेचुरल एजनिंग ऑफ लैग ड्यू टू न्यूट्रिएंट्स इनरिच वाटर, यानी न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट ऑफ वाटर एंड द सबसीक्वेंट लॉस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी लाइक फिश, ये सब मरने लगेगी, इसी को बोलते हैं एक्सेसिव न्यूट्रिएंट। जब होंगे तो एल्गी वगैरह ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, पूरे सरफेस को ढक लेगी और बहुत सारे टॉक्सिकेंट्स रिलीज होंगे, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, पानी का बीओडी बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, जिससे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मरने लगेंगे, इसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, नेचुरल एजनिंग ऑफ लेक भी बोल सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेज जिम्मेदार होती हैं, जैसे ग्लोबल टेम्परेचर जिसकी वजह से बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और इंफ्रा रेड रेडिएशन टेम्परेचर को आने तो देता है, वापस नहीं जाने देता, हीट को वापस नहीं जाने देता अर्थ सर्फेस से, इसके लिए CO2, मीथेन, CFC और N2O होते हैं। देखिए CO2 कितना, 60%, ठीक है ना, मीथेन 20%, NCERT का ये पूरा ग्राफ है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%, सबसे कम होता है N2O। हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है बेटा? हार्मफुल इफेक्ट ये होता है कि जो पोलर आइस कैप्स है वो पिघलते जा रहे हैं, जो चोटियों पे बर्फ जमी हुई है वो पिघलती जा रही है, जिससे ओशियानिक लेवल बढ़ता जा रहा है और जो समुद्र के किनारे कॉन्टिनेंटल एरिया वो डूब जाएंगे आज नहीं तो कल। तो लिखा है ओवर मैनी ईयर दिस विल बी रिजल्ट राइज इन द सी लेवल एंड द फ्लड कोस्टल इन फ्लड द कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में बाढ़ आ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कैसे करें? फॉसिल फ्यूल का कम उपयोग करें, पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करें, एनर्जी यूजेस को एफिशिएंसी को बढ़ाएं, जैसे आजकल सोलर रेडिएशन से सोलर इन्वर्टर आ रहा है ये सारा, और क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रही हैं, ई व्हीकल, और प्लांट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराएं। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? ओजोन लगातार ब्रेक होती जा रही है, जिससे क्या होता है यूवी रेज जो है वो आती जा रही है धरती पे, और क्या हो रही है ये यूवी रेज करती क्या है, O3 के मॉलिक्यूल को O3 के मॉलिक्यूल को 3O2 में कन्वर्ट कर देती है यूवी रेज। ठीक है, द थिकनेस ऑफ ओजोन जो होती है वो हम लोग एयर में ग्राउंड से टॉप लेवल तक नापते हैं, और इसको जिस यूनिट से मेजर करते हैं उसको बोलते हैं डॉप्सन यूनिट, DU। DB होता है बेटा डेसिबल, यानी कि साउंड की यूनिट होती है। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन को और धरती पर आने से रोकती है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो स्किन कैंसर हो जाएगा, डैमेज ऑफ जीन हो जाएगा, और उसके बाद कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। CFC जो होता है ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है, ठीक है, ये निसेंट क्लोरीन निकालता है, और निसेंट क्लोरीन एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और ये कैटलिस्ट जो होता है एक बार पहुंच गया तो पहुंच गया, ये दोबारा कभी वो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि कैटलिस्ट कभी भी यूज़ नहीं होते। और अब ये क्या करेगा, ये इसने ओजोन के होल कॉज कर दिए, स्पेशली अटलांटिका रीजन पे किए हैं, ये देखिए ओजोन होल सबसे ज़्यादा अटलांटिका रीजन पे देखी गई। ओजोन डिप्लीशन के लिए क्या क्या है स्टेप, तो यूवी रेज स्प्लिट कर देती है CFC एंड रिलीज द एटमॉस्फेरिक क्लोरीन एंड इनेसेंट क्लोरीन। फिर क्या करती है, यूवी रेडिएशन स्प्लिट कर देती है ओजोन को, ये देखो O3 को O2 में बदल दिया। फिर क्या होता है, क्लोरीन एटम ट्रैप कर लेता है ऑक्सीजन एटम को, एंड ऑक्सीजन इज नॉट फॉर्म्ड अगेन फ्रॉम द ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन से दोबारा ये नहीं बनेगा, ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाता है, डिप्लीशन हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर में डिप्लीशन हुआ, जबकि ट्रोपोस्फेयर जो होती है वो बैड ओजोन होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में गुड ओजोन होती है। कंट्रोल दिल्ली में कैसे किया गया एयर पोल्यूशन को, CNG का उपयोग करके 2002 के एंड तक,
ठीक है ना, उसके लिए और क्या किया गया, पुरानी व्हीकल हटा ली गई, ठीक है, जो ज़्यादा धुआं छोड़ती थी हटा दी गई, अनलीडेड पेट्रोल और लो सल्फर वाला पेट्रोल और डीजल यूज़ किया गया, कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल किया गया, यूरो 4 नॉर्म का इस्तेमाल किया गया, 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट किया गया, ऑटो फ्यूल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोड मैप तैयार किया ताकि हम पॉल्यूशन को कम कर सके बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ में। गोल ये था कि हम लोग को हाइड्रोकार्बन 35% तक लाना था। भारत स्टेज सेकेंड जो था वो अप्लाइड किया गया 1 अप्रैल 2005 से, और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जो ज़्यादा पोल्यूटेड थी वहाँ पर 1 अप्रैल 2005 से, और यूरो फोर लागू कर दिया गया 1 अप्रैल 2010 से। आजकल लगभग सभी जगह पे यूरो फोर है, लेकिन अब सब जगह पे यूरो सिक्स आ गया। यूरो सिक्स कब से आया? 1 अप्रैल 2020 से यूरो सिक्स या BS6, भारत स्टेज सिक्स, याद रखिएगा। अच्छा, उससे पहले 2017 में क्या था, सभी को क्या दिया गया? यूरो फोर दिया गया था। अच्छा, यूरो फाइव कब दिया गया? यूरो फाइव दिया ही नहीं गया, क्यों? उसको स्किप कर दिया गया, उसको स्किप्ड कर दिया गया, क्योंकि वो किसी कारण से नहीं दिया जा सका। इस प्रकार पूरी कंट्री में चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, सबको यूरो फोर था, अब सिक्स दे दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट होता है। ई वेस्ट क्या होता है? जो चीज़ रिपेयर नहीं की जा सकती, कंप्यूटर वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह, उनको हम लोग ई वेस्ट बोलते हैं। इसको कैसे करेंगे डिस्पोज? इसको बर्न कर देते हैं, लैंडफिल कर देते हैं, इंसिनरेटर में जला के राख कर देते हैं, रिसाइकिलिंग कर लेते हैं। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है? राइस इन टेम्परेचर लीडिंग टू डेटियोरेशन चेंजेस इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में विपरीत परिस्थितियाँ आ जाना, यानी बादल बने नहीं बरसे, ये सब एल नीनो इफेक्ट होगा। रिजल्टिंग द ऑड क्लाइमेट चेंज इज द एल नीनो इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? पोलर आइस कैप्स पिघलते जा रहे हैं, सी कोस्टल लाइन एरिया डूब जाएंगे, फ्लड आ जाएगी यानी बाढ़ आ जाएगी, हैबिटेट लॉस हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हम लोग ने कर लिया। ठीक है, फिर मिलते हैं 10 मिनट बायोलॉजी में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।